मध्य प्रदेश के रतलाम में अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी तक मतदान केंद्र की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ी बंगला गांव की। इस गांव के लोगों को 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व है, लेकिन इस महापर्व में अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पोलिंग बूथ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसा ही एक गांव है पहाड़ी बंगला। पहाड़ी बंगला मध्य प्रदेश के रतलाम का एक छोटा सा गांव है और इस गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। गाँव में लगभग 375 मतदाता है, लेकिन अभी तक मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ की व्यवस्था नहीं की गयी है। पैदल जाने का रास्ता है पहाड़ पे से, ऊंचाई से चढ़ते हो? हाँ, ऊंचाई चढ़ते हो सीधे। तो जो वृद्ध लोग होते हैं वो कैसे चढ़ते हो? वो मोटरसाइकिल से जाते हैं, कोई साधन करते हो उनसे जाते। दूर पड़ गया यहाँ से, 10-12 किलोमीटर पड़ते हैं यहाँ से। वोट डालने जाते हो? वोट नहीं डालना पड़ेगा। भले ही आदिवासी समुदाय शिक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग मतदान को अपना अधिकार मानते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को 8 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ता पार करके जाना पड़ता है। ग्रामीणों का ये जुनून वाकई काबिल तारीफ है। हम हरसोला जाते, हरसोला इतने दूर जाए, बूढ़ा मन कटे जाए बेचारा, बच्चा आली कटे जाए बेचारी, पहले पहले जाए फिर लाइन में खड़ा रहा, तो खड़ा रहा के बाद में फिर शाम पड़ी जाए, फिर वो चक्कर आई पड़ी जाओ। तो फिर अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें तुम वोट डालने कहाँ जाते हो? हरसोला। कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर हो गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2019 के इस महापर्व में भी इस गांव का विकास क्यों नहीं हो पाया है? क्या अगले लोकसभा चुनाव में भी लोग इसी तरह मतदान करेंगे, या आने वाले 5 साल में वाकई यहाँ विकास होगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।